बाबा रामदेव हैं, उनके एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तुम्हें। बाबा रामदेव जो है खुद जो है आंवला उगाते हैं, खुद उसको कूटते हैं और उसका शैम्पू बनाते हैं, और खुद जो है उनके घने काले बाल वो अपने दिखाते हैं, घने काले बाल, देखो बाल उनके काले हैं, आँख ठीक नहीं कर पाए, बाल उनके ठीक हैं, तो बाल उनके घने काले बाल हैं, वो खुद आते हैं टीवी पे और आकर के वो जो है कहते हैं कि देखो मैंने मेरे इस शैम्पू से ये हो गया। फिर वो आटा गेहूं के खेत हैं उनके, मतलब गेहूं के खेत हैं उनके, गेहूं उगाते हैं, खूब उग रहा है पतंजलि पीछे गंगा के किनारे, फिर उस गेहूं से वो क्या करते हैं, वो जो है आटा बनाते हैं, आटा बनाने के बाद वो नूडल्स बनाते हैं, पतंजलि आटा नूडल्स, और फिर वो खुद आकर के टीवी पे पतंजलि आटा नूडल्स खा के दिखाते हैं, कितने हेल्दी हैं देखो, है ना, खा के दिखाते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो तीनों सेक्टर का पार्ट होते हैं अलग अलग समय, पहले वो प्राइमरी के थे जब वो गेहूं उगा रहे थे, फिर जब उन्होंने उसका नूडल बनाया तो वो सेकेंडरी के हो गए, और जब वो खुद ही हेमा मालिनी जी खुद आ गए तो वो टर्शियरी हो गए, सिंपल सी बात है। तीनों पार्ट वो अकेले निभा लेते, इसलिए उनकी इंडस्ट्री इतनी आगे चली, खर्चा ही नहीं है सबका, वो खुद ही कर लेते, बात ये है ना, ये बात।